है कि हमारे लिए पहले भी कहा गया था कि हमारे लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। हम सब इंतजार करते रहे कि काश सही में ये अच्छे दिन ही है, काश सही में ये अच्छे दिन की बात ही है। मगर आज मेरे बहनों और भाइयों, हम सब के लिए, जो कि छोटे छोटे तिजारत करने वालों के लिए, चाय पीने वालों के लिए, इडली खाने वालों के लिए, जीएसटी लगाकर अच्छे दिन नहीं बल्कि हर किसी के ज़िंदगी के ऊपर बुरे दिन आ चुके हैं। और हर गरीब जो है इडली खाने जाता है उसके ऊपर जीएसटी, पिछले दिनों में कभी भी कोई खाने की चीज़ पर ना कोई टैक्स था, ना वैट था, ना कोई भी खाने की चीज़ों के ऊपर कोई टैक्सेस नहीं थे। मगर आज जो है, इवन के आप चाय भी पीते हैं उसके भी ऊपर जो है जीएसटी लग रही है। तो ये अच्छे दिन नहीं थे और हमारे लिए ये सबके लिए बुरे दिन आ गए, ताकि एक छोटा सा 10 रुपये का चाय पीने वाले को भी उसके ऊपर जीएसटी लगाना पड़ेगा। आज खास कर से जो बिजनेस करते हैं, छोटे छोटे जो लोग बिजनेस करते हैं, उनको कहा गया कि महीने में एक मरतबा जो है आपको जीएसटी फाइल करना होगा, आपको आईटी फाइल करना होगा, आपको बताना होगा हुकूमत को हिसाब। तो मेरी माँ बहनों, आज तक जो देश के सीए हैं उनको तक समझ में नहीं आया कि किस तरह से वो फाइल करना है, किस तरह से वो बिजनेस को शो करना है। इंशाल्लाह अगर एमईपी को साथ देंगे, अगर एमईपी को वोट करेंगे, एमईपी को सेंट्रल में, एमईपी को लोकसभा में जिताएंगे, तो मेरा ख्वाब है कि जीएसटी को वापस से टोटल खत्म कर देना चाहिए। All India, my life.